सो गाइस ये देखो एक सस्पेक्ट है जो बैग चेक नहीं करा रहा है। लेडीज को जरा अंदर खींचो। ये पूरे देखो ना हार्ड डोर्स है, जैसे देखो ये घर के दरवाजे रहते ना वैसे पर्दे नहीं है, तो पूरी प्राइवेसी है। जोगेश्वरी से बस निकल गई, फिर हम लोग बाइक भगाते हुए घोड़े का हब पे उसको रुकाए। मारो जम मारो, यहाँ से सीधा जम मारो सीधा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अजमेर शरीफ का बुलावा आ गया है। तो मगर ये टाइम मैं बस से जा रहा हूँ और मैं मेरे फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ हूँ। बाबू भाई मेरा फ्रेंड का नाम है और उनकी फैमिली है साथ में। तो अभी हमारी फ़िलहाल बस 5 बजे जोगेश्वरी हाईवे पर आएगी और अभी बज गए 4:30। तो मेरे तो एकदम घर के बाजू में, मेरे को सामने ही दिखता है, यहीं से दिखता है वो फ्लाईओवर के पास ही वो बस आती है। तो मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों की स्कूल्स है, स्पेशली मोहम्मद साहब की स्कूल स्किप नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब को लेके जाने का था बट वही बस ट्रैवल है, हेक्टिक हो जाएगा, जाना है एक दिन की सलामी देना और दूसरे दिन निकल के आना, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। उसमें मेरे को मोहम्मद साहब को नहीं, मोहम्मद शाह को नहीं लेके जाना है और उसकी भी स्कूल की बहुत छुट्टी हो गई। अभी हम लोग महाबलेश्वर जाके आए थे तो अभी मैं फिलहाल अकेला जाके आया, तो सलामी देकर आता हूँ। मेरा बच्चा रोना धोना मातम कर दिया है, देखो कैसा रो रहा है, इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं मेरे बच्चे को लेके जा रहा हूँ, मैंने अभी बात कर लिया बस में, एक और सीट बुक कर दिया, मैं मोहम्मद शाह को लेके जाता हूँ। ओके चलो जल्दी उठो, चलो चलो चलो। गाइस सडनली प्लान हो गया मोहम्मद शाह का भी आने का। यस मोहम्मद शाह की पैकिंग, चलो फटाफट पैक कर फटाफट, टाइम बहुत कम है, देख 5:45 बज चुके हैं, 5 बजे तो बस आ जाएंगे बेटा, जल्दी कर फटाफट। सो एट लास्ट मोहम्मद शाह भी आ रहा है मेरे साथ, जो कि मैंने नहीं सोचा था। और ये उठ के नींद में से उठ के मेरे को हिला दिया, रोते रोते पहुँच गया शाही मज में। सो गाइस फिलहाल हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, मम्मी हमारे को बाइक पर छोड़ देंगे बस के पास और हम लोग वहाँ से बस में चले जाएंगे, मम्मी बाइक लेकर आ जाएंगे। चलो लेट्स गो गाइस, एट लास्ट हम लोग निकल गए, मम्मी हम लोग को छोड़ दिए। देखो पीछे बैठे, पूरा सामान देख मम्मी ने भर लिया है बैग में, टेंशन नहीं। अभी सीधा हम लोग जोगेश्वरी इस्माइल कॉलेज हाईवे पे बस मिले। गाइस एट लास्ट हम लोग आ गए बस में, हम लोग बस छोड़ के चले गई थी, बाबू भाई ने भी हम लोग को, ये हमारे बाबू भाई, ये इनकी बड़ी बेटी, और बाबू भाई बस को रुका भी नहीं पाए, हमारे को बाबू भाई भगाए, फुल भागा, कैसा भी भागे, बाप रे बाप, फुल हम लोग भागते हुए कैसे कैसे करके बस पकड़े हम लोग ने। जोगेश्वरी से बस निकल गई, फिर हम लोग बाइक भगाते हुए घोड़े का हब पे उसको रुकाए और अब मैं बैठे हैं। इतना ये सब मोहम्मद शरीम की वजह से, मैं तो टाइम पर आ रहा था और मोहम्मद शरीम एंड में रेडी हुआ, आप लोगों ने देखे कैसा रोना धोना किया, इसके लिए लेट हो गया, बट अलहमदिल्ला हम लोग बैठ गए बस में। गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं घोड़े का ओबरॉय मॉल क्रॉस करे अभी हम लोग ने, अभी सीधा नेक्स्ट स्टॉप करेंगे बूरी वाली। गाइस आप लोग देख सकते हो ये प्राइवेट बेडरूम बन गया हमारा पूरा, ये देखो दरवाज़ा बंद हो गया, पूरा दरवाज़ा बंद हो गया, बेडरूम मेरी आइटम में जा रहा हूँ। हम लोग पहुँचे, किधर पहुँचे, कांदी वाली वाकोला नहीं, कांदी वाली, कांदी वाली। हमारी एडिटिंग भी चालू है, ये हमारा पूरा प्राइवेट बेडरूम है, हम आराम से सोते हुए जाएंगे, कोई भी हमारे बेडरूम में इंटरफेयर नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एक बार ये दरवाज़ा बंद कर दो सो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं कुछ नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये देखो कितना प्रॉपर बना हुआ है, ये पूरा अंदर का आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सिंगल सीट वाला है, यहाँ पर सिंगल सीट्स लोग सो सकते हैं जो सिंगल लोग आते हैं, और ये डबल वाला है जिसमें मैं और मोहम्मद शारी में आराम से कंफर्टेबल सो सकते हैं। ये पूरा उसका पैसेज एरिया है, ये देखो यहाँ से लेके एंड तक के, पूरा एंड तक के पैसेज एरिया है, एंड तक के पूरी सीट्स बनी हुई है, ये लास्ट में भी सीट्स बनी हुई है, ये कॉर्नर की सीट है और इसके बाद यहाँ एंड में भी ऊपर नीचे सीट बना हुआ है, तो काफ़ी कंफर्टेबल बना हुआ, और सबके अपने अपने प्राइवेट कैबिन हैं, सब बंद हो जाते। ये देखो यहाँ पर ऊपर एसी लगा हुआ है, तो काफ़ी क्लीन रखा है, मेंटेन रखे है, साफ़ सफाई है अच्छा खासा, आप शूज़ नहीं भी पहनो तो नीचे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है, बहुत ही क्लीन है। ये पूरे देखो ना हार्ड डोर्स है, जैसे देखो ये घर के दरवाजे रहते ना वैसे पर्दे नहीं है, तो पूरी प्राइवेसी है, फैमिली के साथ भी जाओ, पूरा प्राइवेट है। तो मेन डोर है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग, और चार्जिंग यूनिट्स भी है इसमें, ये देखो ये चार्जिंग यूनिट्स है, आप अपने मोबाइल इसमें रख दो
का वेंट है, अच्छी खासी कूलिंग है यहाँ पर, लाइट है, और ये आपका शूज रखने के लिए यहाँ पर है। और ये देखो काफ़ी स्पेशियस है, मतलब आराम से सो सकते कंफर्टेबली, ज़रा मतलब मैं बोलूँ ट्रेन से भी ज़्यादा कंफर्ट है इसमें, है ना। और यहाँ पर सीढ़ी दिया हुआ है चढ़ने के लिए, बच्चों को या बड़ों को भी चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी दिया हुआ है। अभी हम लोग बोरीवली का वेट कर रहे हैं कि बोरीवली आवे तो हम लोग कुछ चिप्स या कुछ ले लेंगे। ये आपका ड्राइवर कैबिन, बोरीवली पे रुकेंगे ना, बस दो मिनट। तो ये आ गया बोरीवली नेशनल पार्क का फ्लाईओवर, यहाँ भी नीचे से पिकअप है, तो वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे। ये बाबू आराम से अंदर सेट हो गया अपने बीवी बच्चों के साथ, इसके तीन बच्चे हैं और एक बीवी है। सो गाइस ये है हमारी बस, हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हम तो भाग दौड़ में लगे हुए थे, तो अच्छा बाइक पे आए थे तो इसको पकड़े, नहीं तो हमारे को बोरीवली तक एक हिस्से वो लेकर आ जाता था। बट गलती हमारी, हम ही लेट हो गए थे मोहम्मद शाहीन के चक्कर में। अभी हम लोग ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक, पानी की बॉटल और थोड़े बहुत चिप्स विप्स ले लिए। गाइस लाइट चालू हो गई, देखो पूरे केबिन में लाइट चालू हो गई, सबके केबिन में। यहाँ पर ब्लू लाइट है, यहाँ पर ग्रीन लाइट है, यहाँ पर वाइट लाइट है। बाबू भाई मजे कर रहे हैं, वहाँ डाल दे कचरे के डब्बे में, देखो वहाँ पर डस्टबिन भी है, तो आप कचरा उसमें डाल दिया करो, यहाँ वहाँ मत फेंका करो यार, इतना अच्छा साफ सुथरा रखते तो उसको मेंटेन रखो। ए सी की कूलिंग भी हो रही है, मज़ा आ रही है ना। जिप्सी में ऐसा लगता है जिप्सी में बैठे। चलो खाओ पपैया खाओ। सो गाइस ये देखो एक सस्पेक्ट है जो बैग चेक नहीं करा रहा है, इन लोग बोल रहे, इन लोग को डाउट जा रहा है कि बैग चेक कराओ, वो चेक कराने को रेडी नहीं है। अभी बोल रहे पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे अगर ये नहीं चेक कराए तो, बट ये बंदा सुनने को तैयार नहीं है, अभी इसको टोल पे उतार देंगे। गलत है ना यार, क्या पता ना क्या लेकर आ गया होगा बैग में, पता नहीं है। तो गाइस ये दारू का कुछ सीन था, इन लोग कुछ गुजरात में दारू लेके जाते हैं तो उसकी चेकिंग थी, तो ये बंदा चेक करने आने को तैयार नहीं है, तो इसके इसको उतार देंगे। अच्छा उतार दो बाबा, ये सब मगजमारियाँ नहीं चाहिए अपने को, अपन फैमिली के साथ है, अपने को ये सब टेंशन नहीं चाहिए। गाइस अभी हम लोग विरार पहुँच गए, देखो विरार क्रॉस कर रहे हैं। वो बैग चेक करा दिया वो बंदे ने, कुछ भी नहीं था तो उनको फिर बैठने दिए, नहीं तो उतार देते थे, क्योंकि एक सवारी की वजह से पूरी बस को रिस्क में नहीं डाल सकते। अभी थोड़ी देर बाद हॉल्ट करेंगे खाने के लिए। तो गाइस अभी हॉल्ट हुआ डिनर के लिए, और मोहम्मद शरीन को सीधी आई नो, चलो आ जाओ, मारो जब मारो, यहाँ से सीधा जब मारो सीधा, सीढ़ी पे से उतरो, मैं पकड़ो, मैं पकड़ूंगा, नहीं गिरने दूंगा। अरे वो सीढ़ी पे रखो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाबू भाई। तो गाइस यहाँ पर हॉल्ट हुआ है खाने के लिए, होटल श्री शिव शक्ति, यहाँ पर सब बसेज रुकती है, सब बस वालों का रहता ही है कि वो अपने अपने होटलों पे रुकाते, वेज होटल है। गाइस ये मोहम्मद शरीफ की जिद चालू हो गई है, अब इसको चकमा चाहिए, सबको चकमा देके चकमा देना चाहता है ये वाला, पहनो तो सही चकमा। हीरो हीरा लाल, तो बाबू की छोटी बेटी उसके चप्पल लेके गई, चप्पल पहना रही बाप को, वेरी गुड। ये देखो माशाल्लाह इसकी तीन बेटियां, एक बड़ी वाली, वो छोटी वाली, वो सबसे छोटी वाली, नहीं ये छोटी वाली, ये सबसे छोटी है ना। तो गाइस अभी हम लोग खाना लेकर आए हैं, बाबू भाई ने खाना लेकर आए थे, कहाँ से लाए थे डरा मत, ये बहुत डराती पापा। तो हम लोग यहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, मोहम्मद शरीफ में खाएंगे खाना क्यों सा, तो फिर आप घर पे जाओ, मैंने आपको पहले बोला तो खाना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ पर चिकन खोलने देंगे फिर, वेज है हाँ बट वेज है, यहाँ पर वेज में खोलने देंगे देखो। तो गाइस हम लोग ने खाना नहीं खाया क्योंकि वेज था, और हम लोग ने ऑलरेडी बाबू भाई ने खाना लाए थे, तो अभी हम लोग बस में खा लेंगे, अभी हम लोग यहीं बैठ के केबिन में बैठ के खा लेंगे, ठीक है। मोहम्मद शरीफ बाद में खाएंगा, मोहम्मद शरीफ बेदा रोटी खाएंगा थोड़ी देर बाद, जब तक मैं खाना खाना, ओके चलिए। गाइस बाबू भाई ने, भाभी ने बना के लाए थे
ये है चिकन स्टू घर का और पूरी, तो अभी ये खाते हम लोग। चलो ए डिस्को, ए डिस्को जरा अंदर खिसको। ए कहाँ चढ़ी है तू, ये फेंगड़ी खेबड़ी। तो गाइस अभी खाना खा के हो गया, अभी थोड़ा टाइम पास कर रहे ताकि खाना हजम हो गया फिर सो जावे, एकदम खा के बैठना भारी पड़ जाता है। तो हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ यही बाहर है, बाकी तो सब अंदर घुस गए। मेरा वाला भी घुस गया, इसके वाले भी दोनों घुस गए। एक ये खेबड़ी बाहर, एक खेबड़ी। तो गाइस हम लोग फिर से होल्ड करें डीजल भराने के लिए ये रिलायंस के पंप पे, जो वापी से पहले आता है। तो मैं वॉशरूम जाके आ गया, अब ये लास्ट होल्ड है, इसके बाद कंटिन्यूसली सुबह तक की गाड़ी चलेगी। सो गाइस इसमें 350 लीटर की टैंक है, जिसमें 224 लीटर गया डीजल, जो कि 21,201 का डीजल हो गया, और टोटल टैंक की कैपेसिटी है 350 लीटर्स। चलो अभी डीजल भी भर लिए, अभी सीधा नॉन स्टॉप सुबह तक ही चलाएंगे भाई। चलो मोहम्मद शरीम अभी खाना खा लेंगे दो ना, भूख लगी ना, वेरी गुड। चलो गाइस हम लोग ने मोहम्मद शरीम के लिए लाए थे एगी रोटी। एगी रोटी खा रहा है मोहम्मद शरीम, लोल बना के है ना। अभी देखो हम लोग की मोबाइल की लाइट टॉर्च चालू करे, क्योंकि यहाँ की कैबिन की लाइट सब बंद हो गई, ये सबके सोने का टाइम हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के मोहम्मद शरीम को डिनर करा रहे, फिर हम लोग भी सो जाएंगे है ना, रात पर जागेंगे। ओके गाइस हमारा खाना हो गया, पेट भर के मैंने भी खा लिया, मोहम्मद शरीम का भी खाना हो गया, अभी हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। देखो मोहम्मद शरीम अभी मोबाइल लेके बैठा है, हम लोग ने पूरा सामान सेट कर दिया ताकि आराम से, देखो अभी जगह हो गई मेरी, यहाँ जगह हो गई मोहम्मद शरीम की, जगह हो गई मोहम्मद शरीम को, चादर भी उड़ा दिया, ऑल सेट, सब सो गए, लोग सो गए, अभी हम लोग भी सो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो।